आने समय में करनाल के करम स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए कई नए होल का निर्माण किया जाएगा। यहां पर खिलाड़ी अभ्यास कर सकेंगे। इसके अलावा कुछ होल का पुनः निर्माण किया जाएगा। यह जानकारी समाचार एक्सप्रेस से बातचीत करते हुए जिला खेल अधिकारी दिलबाग सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि स्टेडियम में प्रतिदिन 700 से अधिक खिलाड़ी विभिन्न खेलों के अभ्यास के लिए आते हैं, जिन्हें 32 कोच ट्रेनिंग देते हैं। 3 गेम्स खो खो, हैंडबॉल तथा स्केटिंग के कोच फिलहाल नहीं हैं, जिनके बारे में सरकार को भी जानकारी है। शीघ्र ही वह कोच भी आ जाएंगे। करनाल प्रशासन और राज्य सरकारों के प्रयास से ही करनाल के करम स्टेडियम का कायापलट हुआ है। कुछ समय पहले तक खामियों के चलते चर्चा में बने स्टेडियम को अब नया रूप दिया जा चुका है। अब यदि यहां पर रात को भी किसी खेल का आयोजन करना पड़े तो उसके भी यहां पर व्यापक प्रबंध है। कबड्डी के खिलाड़ियों के लिए शीघ्र ही ग्राउंड तैयार हो जाएगा, जिसका काम चल रहा है। इसके अलावा सरकार द्वारा खिलाड़ियों को बेहतर बनाने के लिए खिलाड़ियों को सुविधाएं दी जा रही हैं। गांव के स्तर पर खेल नर्सरियों के माध्यम से खिलाड़ी उभर कर सामने आ रहे हैं और करनाल का नाम नेशनल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन कर सके। दोस्तों, मैं हूं तरुण मदान और आप इस समय देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। में आपको बता दूं कि इस समय मौजूद हूं करनाल के करण स्टेडियम में। यहां पर कई खेलों के खिलाड़ी अपने आप को तैयार करते हैं। कई प्रतिभाएं निखर कर स्टेट और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं भी जीत चुकी हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि किसी समय करण स्टेडियम किसी न किसी विवादों के कारण चर्चा में रहता था, लेकिन अब इसके हालातों को देखकर ऐसा लगता है कि सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए भरसक प्रयास किए। और हम इस विषय में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है करनाल के जिला खेल अधिकारी दिलबाग जी। दिलबाग जी, सबसे पहले आपका स्वागत है समाचार एक्सप्रेस में। धन्यवाद जी। दिलबाग जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि ये करनाल स्टेडियम की जो दशा है वो बिल्कुल बदल चुकी है। आज से कुछ साल पहले तक यहाँ पर पानी बरसात आते ही खेलों को रद्द करना पड़ जाता था, लेकिन अब जब से ट्रैक का निर्माण हुआ है तब से यहाँ के इसकी सौंदर्य में इसकी सुंदरता में 4 चांद लग गए हैं। सर, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये आपके सामने सिंथेटिक ट्रैक है। हरियाणा सरकार की मेहरबानी से, खेल मंत्री की मेहरबानी से यह बहुत बढ़िया सिंथेटिक ट्रैक बना है और बच्चों को या दौड़ने में खेलने में कोई तकलीफ नहीं है। फर्स्ट क्लास प्रोग्राम चलता है। दिलबाग जी, अगर हम बात करें इस समय मौजूदा समय में हमारे करनाल में कितने कोच अवेलेबल हैं जो कि खिलाड़ियों को उनकी प्रतिभा निखारने का मौका देते हैं और उनकी प्रतिभा के लिए निखारने के लिए समय भी प्रदान करते हैं? जी, खेल विभाग में इस समय जिला करनाल में 32 कोचिज यहाँ कार्य कर रहे हैं और अपने जगह जगह पर अपना सेंटर अपने गेमों का बहुत बढ़िया तरीके से चला रहे हैं। हम सोचते हैं कि जैसे ही वो बढ़िया प्रोग्राम चलेंगे खिलाड़ियों की अचीवमेंट और उभर के आएगी। सर, कौन कौन से खेल ऐसे हैं या कौन कौन से गेम्स ऐसे हैं जिनके कोच अभी तक हमारे यहाँ पर उपलब्ध नहीं है और खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा के लिए गुरु नहीं मिल पाता? ये वैसे तो मैक्सिमम खेलों के कोच यहाँ हैं, लेकिन 2-3 गेम हैं जिनके कोचेज यहाँ नहीं हैं, तो सरकार उनको भी कभी न कभी यहाँ ट्रांसफ़र कर देगी। एक तो हैंडबॉल का कोच नहीं है यहाँ, और एक खो खो का और एक स्केटिंग का कोच नहीं है, बाकी सभी गेमों के कोचेज यहाँ हैं। देखिए, दिलबाग सिंह ने हमें बताया कि फिलहाल यहाँ पर 32 कोच अवेलेबल हैं जो कि खिलाड़ियों के गुरु बने हुए हैं और खिलाड़ियों को उनकी प्रतिभा निखारने के लिए दिन रात वो भी पसीना बहाते हैं, खिलाड़ी भी पसीना बहाते हैं। 3 गेम्स ऐसी हैं जिनमें खो खो, हैंडबॉल और स्केटिंग गेम्स ऐसी हैं जिनके कोच अभी तक नहीं हैं। दिलबाग जी के द्वारा इसके बारे में सरकार को पत्राचार किया जा चुका है और शीघ्र ही यहाँ पर उनके कोच भी अवेलेबल हो जाएंगे। सर, यहाँ पर कबड्डी का जो ग्राउंड था जी, कबड्डी का जो ग्राउंड था वहाँ पर पहले पानी भर जाता था जरा सी बरसात के बाद जी, अब उसकी रेनोवेशन के लिए क्या प्लान है? जी सर, हमने विभाग से और अपने माननीय DC साहब से मतलब रिक्वेस्ट की और यहाँ अब ये मिट्टी डालने का काम चल रहा है और ये कुछ समय के बाद यहाँ बहुत फर्स्ट क्लास कबड्डी का ग्राउंड आपके सामने होगा। सर, यहाँ पर प्रतिदिन कितने ऐसे खिलाड़ी आते होंगे जो कि खेलों में रुचि लेते हैं? यहाँ लगभग स्टेडियम में दोनों टाइम 500 से 700 खिलाड़ी मिनिमम जरूर आते हैं प्रैक्टिस के लिए। सर, टाइमिंग क्या है खिलाड़ी? टाइमिंग सुबह जैसे हम 5 बजे से लगभग किसी का 8:30 या 2 घंटे का मॉर्निंग का शेड्यूल होगा, ये लगभग 5 से 8:30 तक सभी कोचेज का हो जाता है। किसी का 6 से 8 है, किसी का 5 से 7 है, ये सबके अलग अलग टाइमिंग है। सर, पैरा जो गेम्स होती हैं उनके कोचेज अलग हैं यहाँ पर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ कोच हैं तो जैसे अपना बैडमिंटन के कोच हैं वो पैरा के हैं, लेकिन वो ये कोई ज़रूरी नहीं वो पैरा को ही ट्रेनिंग देंगे। उनके पास जनरल खिलाड़ी भी प्रैक्टिस करते हैं, आम खिलाड़ी भी प्रैक्टिस करता है उनके पास। ये स्पेशल पैरा का नहीं है कि भाई ये पैरा को ही प्रैक्टिस कराएगा, कोच है वो सभी को कराएगा। सर, पिछले साल पैरा स्विमिंग में कई खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे करनाल का नाम चमकाया था,
इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ से कितने खिलाड़ी उभर कर आगे आ चुके हैं अभी तक, जिनके जिनके माध्यम से हमारा जो करनाल का नाम है देश नहीं विदेश में भी रोशन हो चुका है? देखिए, स्विमिंग के अंदर करनाल का अच्छा बढ़िया हो रहा है, लेकिन अब पिछले काफ़ी समय से कोविड के वजह से ट्रेनिंग बंद है स्विमिंग की, इसलिए वो खिलाड़ी अब अभ्यास तो करते नहीं। जैसे ही परमिशन होगी स्विमिंग की, उसके बाद वो खिलाड़ी फिर यहाँ जुड़ जाएंगे और फिर अभ्यास करेंगे आके। सर, एक अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या अपनानी पड़ती है अपने जीवन में? वैसे तो देखो, इस अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए तो बहुत से फैक्टर हैं, लेकिन सबसे बड़ा तो एक डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो डिसिप्लिन अपनाना ज़रूरी है, और तो बहुत फैक्टर हैं। खिलाड़ी बनने के लिए तो बड़ी तपस्या करनी पड़ती है, खिलाड़ी रातों रात नहीं बनते। खिलाड़ी बनने के लिए बड़ा लंबा पीरियड चलता है, और उसके कई चीज़ों के पहलू है, डाइट का है, प्रैक्टिस का है, और क्या मतलब कोचिंग का है, सब पहलुओं से मिलके और हार्ड ट्रेनिंग, उसके बाद ये खिलाड़ी चमक पाता है। देखिए, एक अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए सबसे पहले जीवन के अंदर डिसिप्लिन को अपनाना बड़ा ज़रूरी है। एक अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए कई सालों की तपस्या करनी पड़ती है, उसके बाद एक खिलाड़ी उभर कर सामने आता है। डिसिप्लिन, इसके अलावा अच्छी डाइट और अपना गेम की तरफ पूरी तरह से कंसंट्रेशन देना, ये सब ऐसे महत्वपूर्ण कारण हैं जो कि एक व्यक्ति को, एक बच्चे को एक अच्छा खिलाड़ी बनाते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो दिलबाग जी ने बताया कि वो है कि दृढ़ निश्चय और डिसिप्लिन। दिलबाग जी, अगर देहात की बात की जाए, देहात से यहाँ पर अब खिलाड़ी कम आ पाते होंगे, क्योंकि देहात में खेल नर्सरियों का निर्माण किया जा चुका है। जी 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 सर, वो सरकार का कितना बड़ा सकारात्मक पहलू है और उससे कितना लाभ मिल रहा है देहात के खिलाड़ियों को? जी सर, ऐसा है, ये सरकार ने विभिन्न खेलों की काफ़ी नर्सरियाँ इसे हरियाणा प्रदेश में खोली हैं, उनमें करनाल भी एक जिला है, यहाँ भी काफ़ी नर्सरियाँ खोल रखी हैं। अब कुछ समय से वो कोविड की वजह से बंद हैं, वहाँ काफ़ी खिलाड़ी अभ्यास करते हैं, और उसका आने वाले समय में बड़ा अच्छा रिजल्ट हमारे को मिलेगा जब वो नर्सरियाँ दोबारा चालू हो जाएंगी, और खिलाड़ियों को इधर उधर घूमने की बजाय अपने आस पास ही मतलब ट्रेनिंग सेंटर उपलब्ध है, तो अच्छे से वो प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से इस करनाल का नाम रोशन करेंगे। देखिए, खिलाड़ियों को दिक्कत ना हो, उनके आसपास ही उन्हें स्टेडियम का निर्माण, उन्हें स्टेडियम मिल जाए जहाँ पर वो प्रैक्टिस कर सकें, इसके लिए हरियाणा सरकार द्वारा पूरे प्रदेश भर में खेल नर्सरियों का निर्माण किया गया था विभिन्न विभिन्न गांवों में। इसमें करनाल जिला भी, जहाँ पर कई खेल नर्सरी हैं, वहाँ पर देहात में रहते हुए भी जो खिलाड़ियों ने पहले शहर की तरफ रुख करना पड़ता था, और कई बार संसाधनों की कमी के चलते और स्टेडियम की कमी के चलते उनकी जो प्रतिभा थी वो निखर कर सामने नहीं आ पाती थी, लेकिन वो खेल नर्सरियाँ अभी इतनी महत्वपूर्ण हो रही, इतनी कारगर साबित हो रही हैं कि देहात से भी ऐसे ऐसे खिलाड़ी निकल कर सामने आ रहे हैं जो देशी नहीं विदेश में भी हमारे करनाल का नाम चमका चुके हैं। दिलबाग सर, एक चीज़ बताइए कि अगर हम बात करें करनाल ज़िले की, जी करनाल ज़िले से जो विभिन्न गेम्स होती हैं, स्टेट लेवल की, नेशनल लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की, करनाल ज़िले से अगर हम बात करें, पिछले एक साल से तो कोविड 19 की वजह से कोई एक्टिविटी नहीं हो पा रही, कोई खेल नहीं आ पा रहे, अगर हम बात, तो अंदाज़ा कितने खिलाड़ी ऐसे होंगे जो अभी तक हमारे देश का, हमारे करनाल का नाम विश्व स्तर पर चमका चुके हैं, और सबसे ज़्यादा खिलाड़ी कौन सी गेम से निकल कर सामने आ रहे हैं? देखिए, यहाँ कई गेमों के खिलाड़ी हैं, यहाँ लगभग सैकड़ों खिलाड़ी हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस करनाल का नाम रोशन किया है, और स्टेट मेडलिस्ट भी काफ़ी हैं यहाँ पर। अच्छा, कई गेमों में अच्छा रुझान है यहाँ, जैसे बैडमिंटन का भी बढ़िया, बॉक्सिंग का है, और मतलब तकरीबन सभी गेमों में मतलब ठीक अच्छा लेवल है। देखिए, इन्होंने हमें जानकारी देते हुए बताया कि करनाल ज़िले से सैकड़ों खिलाड़ी अभी तक स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पर हमारे करनाल का नाम चमका चुके हैं, और हर गेम से खिलाड़ी निकलकर सामने आ रहे हैं। मौजूदा समय में करनाल का जो करण स्टेडियम है, कायाकल्प हो चुकी है, मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा, बताना भी चाहूँगा। सर, अगर हम प्लान करें यहाँ पर किसी भी, यहाँ पर क्या रात को गेम्स हो सकती हैं? हाँ बिल्कुल, रात को आप ये देख रहे हैं चारों तरफ इतनी बढ़िया बड़ी बड़ी लाइटें ये सरकार ने लगवाई हैं, और अगर कोई रात को कंपटीशन कराना पड़ा तो हमारे पास सभी साधन हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर लाइट के चांदने में यहाँ गेम कराने पड़े तो कराने के लिए हम तैयार हैं। सर, निकट भविष्य में आपके पास ऐसा कोई प्रोजेक्ट आया है, या कोई जो पाइपलाइन में हो, या सरकार द्वारा कोई ऐसा प्रपोजल बनाकर भेजा गया है कि करनाल को हमने ये सुविधाएं और प्रदान करनी है, या गेम्स होनी है यहाँ पर, या कहीं और गेम्स होनी है, इनके बारे में कोई प्रपोजल अभी तक फिलहाल आया हो? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। जैसे अपने यहाँ माननीय CM साहब ने यह घोषणा करी थी, यहाँ एक बैडमिंटन हॉल और बॉक्सिंग हॉल बनेंगे, वो CM साहब की घोषणा है, और वो कुछ समय में उनका काम मतलब पाइपलाइन में चालू हो जाएगा। और एक या पीछे ये बैडमिंटन का हाल है, उसकी मरम्मत के लिए भी सरकार ने हमारे को मंजूरी दी है, और ये और भी जो भी हम
मांग करते हैं, जो छोटी छोटी हमारी मांग वो भी सरकार हमारी समय समय पर पूरी करती है। देखिए मैं आपको बता दूं, ये थे दिलबाग सिंह जी, जिला खेल अधिकारी, और मैं आप करनाल के खिलाड़ियों को बताना यही चाहूँगा कि करनाल के जो करण स्टेडियम में इसकी कायाकल्प हो चुकी है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ नए हॉल मुख्यमंत्री जी की घोषणा के बाद निर्माण कार्य शुरू होने वाला है, और एक हॉल ऐसा है जिसकी रेनोवेशन अब होने वाली है, इसलिए खिलाड़ियों को घबराने की जरूरत नहीं। इनका ये भी कहना है कि यदि किसी भी खिलाड़ी को कोई भी समस्या आती है, कोई भी समस्या आती है कोच से संबंधित या ट्रैक से संबंधित या फिर किसी भी तरह की कोई वो समस्या को झेल रहा है या जूझ रहा है उस समस्या से, तो वो इनसे बात करके अपनी समस्या का निवारण कर सकता है। सर, कोई खिलाड़ी अगर आपके पास अपनी प्रॉब्लम को लेकर आता है तो उसके हल के लिए आपके प्रयास करते हैं? अगर कोई खिलाड़ी हमारे पास अपनी कोई समस्या लेके आता है, हम 100% उस खिलाड़ी को उस समस्या को दूर करने की कोशिश करते हैं, और इसमें हमें काफ़ी सफलता के नज़दीक। अगर कोई छोटी मोटी समस्या है तो उसको हम भविष्य में दूर करेंगे। देखिए इन्होंने हमें भी समाचार एक्सप्रेस के माध्यम से सभी खिलाड़ियों को सूचित किया है, सभी खिलाड़ियों को बता दिया कि अगर उनके पास कोई भी समस्या है या किसी की समस्या से वो जूझ रहे हैं तो उनसे संपर्क कर सकते हैं, वो 100% उनकी समस्या को दूर करने का प्रयास करें। सर बताइए, मतलब अगर हम बात करें, ये जो किसकी देख रहे हैं, करनाल प्रशासन की देख रहे हैं सारा का सारा काम? ये ऐसा है जी, जैसे ये हॉल है बैडमिंटन का, ये तो माननीय CM साहब की घोषणाएं हैं, लेकिन जो हमारे जिला करनाल के उपायुक्त महोदय निशांत कुमार यादव जी हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं, उनके ही आदेश से ये मिट्टी का डलवाई जा रही है, उनके आदेश से ही ये एक जिम का यहाँ हॉल बनाया जा रहा है, वहाँ जिम लगेगी और दो गेट बहुत बढ़िया बन रहे हैं, और ये माननीय DC साहब के आशीर्वाद से ही ये संभव हो रहा है। ये जो आपने हमें बताया गेट का निर्माण, जिम का निर्माण या कबड्डी के ग्राउंड का निर्माण, ये सर कब तक होने की उम्मीद है, कब तक पूरा होने की उम्मीद? देखो ये जो सामने दो गेट हैं वो उनका ढांचा खड़ा हो गया है, उसको फिर अब वो जो ये प्लेट वगैरह जो लगनी है, वो मार्बल वगैरह वो लगा देंगे। कबड्डी में आपके सामने ये मिट्टी पड़ रही है और इस पर भी जल्द ही मतलब शेड लगा दिया जाएगा, जिम के ऊपर भी, और इसके लिए हम माननीय उपायुक्त महोदय के बहुत ही शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद। देखिए इन्होंने हमें बता दिया कि जिला प्रशासन के द्वारा किस तरह से खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। उपायुक्त निशांत कुमार यादव के मार्गदर्शन से ही यहाँ पर जिम का निर्माण किया जा रहा है, यहाँ पर कबड्डी के ग्राउंड का निर्माण किया जा रहा है, इसके अलावा दो अन्य हॉलों का निर्माण किया जा रहा है, जिनकी दो गेटों का निर्माण किया जा रहा है, जो शीघ्र ही करनाल की जनता को, करनाल के खिलाड़ियों को समर्पित हो जाएंगे। हम समाचार एक्सप्रेस के माध्यम से एक बार फिर से करनाल प्रशासन का शुक्रगुजार करते हैं, जिन्होंने खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने के लिए इतना भरसक प्रयास कर रहे हैं। आप मेरे सामने देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर सिक्योरिटी का भी चाक चौबंद है, यहाँ पर जो ग्रिल लगी उसे कंटीली तारे लगाई गई हैं ताकि कोई भी असामाजिक तत्व आकर यहाँ पर इस स्टेडियम की सुंदरता को ख़राब ना कर सके, या अगर यहाँ पर रात को भी अगर गेम्स करवानी पड़ जाए तो इसके लिए भी यहाँ के पूरा स्टाफ मौजूद है, इनके पास पूरे प्रबंध हैं। मैं तरुण मुदान, सीनियर कैमरा पर्सन सन्नी चौधरी से समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.